क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? थर्ड। सबसे पहली एंट्री क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमको बनाना लेजर ही है, लेकिन हम पहले जनरल करेंगे और जनरल से लेजर बनाना सीखेंगे। तो पहली एंट्री क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना अमाउंट है? 4 लाख। ठीक है। फिर दूसरी एंट्री क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम राज। परचेज अकाउंट डेबिट टू राज। ठीक है। कितना अमाउंट है? कितना? फिर नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट बैंक रिसीवर टू कैश। अमाउंट कितना है? 25,000। ठीक है। फिर क्या है? व्हाट गुड्स फॉर कैश? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 10,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 40,000। 20,000। नेक्स्ट, पेड टू राज। तो राज रिसीवर टू कैश कितना पे किया? 8,000। राज से परचेज किया था 15 का, अभी हमने उसको ओनली 8,000 पे किया। अभी फुल सेटलमेंट नहीं बोला, अपने हिसाब से दिमाग मत लगाना सर, बाकी डिस्काउंट माने क्या। अभी हमने उसमें से कुछ ही पोर्शन दिया है। फिर नेक्स्ट, सैलरी पे किया है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? कितना? 5,000। और कुछ है? इतना ही है। ठीक है। अब जरा देखो, हमको यहाँ पे लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कैसे बनाया, बुक में तो पहले कैश दिया, फिर कैपिटल, और फिर इसके बाद डायरेक्ट कुछ और दे दिया। हमें तो क्या करना है, सबसे पहले जो पहले नंबर पे जो ट्रांजिशन है ना, सबसे पहले उसको उठाते हैं। किसको बनाते हैं? कैश को। ठीक है, ताकि गड़बड़ी ना हो। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? कैश। ठीक है। फॉर्मेट वही का वही रहेगा, लाल में मैं इसको जैसे मैंने तो क्या किया, एक साथ खींच दे रहा है। ठीक है। आप भी पेंसिल से चाहो तो ये वाला फंडा यूज कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ एक ही में लिख रहा हूँ, बाकी में नहीं लिखूंगा मैं सब ये चीजें। क्या होगा? डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट सिर्फ सेम डेट पर्टिकुलर जेएफ, सॉरी जेएफ आएगा, और अमाउंट जनरल फोलियो। अब जरा ध्यान दो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ड्यू टू फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है। अभी डेट नहीं है, कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? डेबिट, पहले तो डेबिट साइड आ जाओ। कैश डेबिट हो रहा है, हाँ बोलो, किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। ठीक है। कितना? 4 लाख। कोई रूल नहीं लगाना कि किधर आएगा किधर नहीं आएगा, सर कैसे समझेंगे? बस आप तो देखो, जनरल अगर आप कर सकते हो, जनरल में मैंने आपको एक्सपोर्ट कर दिया, इतनी सारी एंट्रीज कराई हैं, हर चीज की अगर एंट्री कर सकते हो थोड़ा सा। कुछ देर बाद हम ऐसा भी करेंगे, करने की जरूरत नहीं, बस ओरली सोचना। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल इधर आ जाएगा। फिर देखो कैश दूसरी जगह कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है, बोलो किसकी वजह से? थर्ड ट्रांजेक्शन बाय बैंक की वजह से। बाय बैंक अकाउंट कितना? 10,000। 25,000। ठीक है। फिर देखो कैश कहाँ दिख रहा है? इसमें कैश अगेन क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? परचेज की वजह से। कितना? 10,000। ठीक है। फिर देखो कैश कहाँ दिख रहा है? कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है। पांचवें नंबर पर किस चीज की वजह से? टू सेल्स की वजह से। ठीक है। कितना? 20,000। फिर देखो कैश कहाँ दिख रहा है? कैश ये रहा, कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? राज की वजह से। ठीक है। कितना? 8,000। ठीक है। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। कितना? 5,000। ठीक है।
अभी फिलहाल में उसने बैलेंस करने का नहीं बोला है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस करने का तरीका क्या है, पहले दोनों साइड का टोटल करना है आपको ऑरली अलग, क्योंकि डेबिट टोटल किधर कहीं का भी ज्यादा हो सकता है, कैश अकाउंट का तो हमेशा डेबिट साइड का ही ज्यादा होगा। कितना हो रहा है इस साइड का टोटल मैं पहले कर देता हूँ, कितना हो गया 4,20,000, और ये हमारा बैलेंस निकलेगा इस डेट को बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो कितना हो गया 48 माइनस करो 4,20,000 माइनस 48, ठीक है तो कितना होगा 3,72,000। ठीक है 3,72,000 टोटल कर देना 4,20,000। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं, आप किसका अकाउंट बनाए सर? कोई बात नहीं, अब इसके बाद बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन था, कौन सी चीज थी। कैपिटल नेक्स्ट क्या है, कैपिटल क्या बनाएंगे, बस कैश ही सबसे बड़ा बनेगा फिलहाल में, तो कैपिटल अकाउंट सेम फॉर्मेट इसका भी। अब बोलो कैपिटल क्या हो रही है, क्या हो रही है कैपिटल, क्रेडिट हो रही है कि डेबिट, कोई डेबिट बोल रहा है बताओ क्या, सुमित कहां से डेबिट दिख रही है तुमको, क्रेडिट हो रही है ना कैपिटल, देखो क्रेडिट हो रहा है, आ जाओ क्रेडिट साइड, किस चीज की वजह से, कैश की वजह से। ठीक है, इसलिए तो कह रहा हूँ लेजर बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है लेजर में अगर आपको जनरल आता है तो। अब बोलो 4,00,000 के अलावा कहीं और कहीं कैपिटल दिख रहा है क्या, जब इसीलिए आप कैश अकाउंट बना लोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाएगा, बोले कैश तो कहीं था ही नहीं। ठीक है, बस इसका इतना ही बनेगा, इस साइड क्या निकालोगे टू बैलेंस सी डी, पूरा 4,00,000 का 4,00,000 क्या निकल आएगा, ये बैलेंस, ये यहीं पर क्लोज, और कुछ है ही नहीं इसके रिगार्डिंग। अब बोलो इसके बाद क्या बनाऊं, इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, परचेज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल यही तो दिक्कत है, लेजर क्लासिफिकेशन तभी तो होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब यही है, वो अलग बात है कि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, या आएगा भी तो मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी, टेंशन क्यों ले लो, लेकिन बनेगा सबका, समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, वो अलग बात है, 5 मार्क्स हो सकता है तुम्हारे मजे लेने के लिए दे दो, करना हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, हाँ ऑप्शन भी आ सकता है, वेरी गुड, ये तो ऑप्शन ही ढूंढता रहता है। ठीक है, हाँ ये तो बात सही है, पेपर तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलो देखो फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमने परचेज बनाया। ठीक है, मैं तो फंड मैं भी यहाँ पे पूरे नहीं बनवा रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, जितना हमारे बोर्ड में दम है, जितनी बोर्ड में जगह है दम नहीं। ठीक है, तो देखो, अरे सबका बनेगा यूनिक, जिनका नाम है देखती जाओ बस। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हो रहा है, बोलो किसकी वजह से, राज की वजह से, तो राज का अकाउंट आ गया कितना 15,000। ठीक है, फिर और कहीं परचेज दिख रहा है, बोलो हाँ दिख रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। मैं तो हमें बस यही देखना है कि हमें करना क्या है, जो चीज डेबिट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। ठीक है, वही तो लिखना है, रीजन लिखना है, डेबिट ड्यू टू और क्रेडिट ड्यू टू, बस खत्म। अब और कहीं परचेज दिख रहा है, नहीं मैंने इसमें बोला नहीं था लेकिन बैलेंसिंग भी करवा दिया, ट्रांजेक्शन कौन से नंबर का था, ये 2 और ये 4। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोग बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा बोलो 25,000 इधर का टोटल, और यही आ जाएगा क्या बैलेंस। अब इसके बाद किसका अकाउंट बनाएंगे, राज का। ठीक है, इसका बनाएंगे राज का अकाउंट। ठीक है, राज बोलो क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, परचेज की वजह से ना, बाय परचेज अकाउंट कितना 15,000। फिर देखो राज कहीं और दिख रहा है क्या, ठीक है राज डेबिट हो रहा है 6 ट्रांजेक्शन में, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो 2 कैश अकाउंट कितना 8,000। अब इस साइड का टोटल किया कितना आ गया 15,000, और 15,000 में से 8 जाएगा तो 2 बैलेंस सीडी, कितना बचेगा 7,000, और दोनों साइड का टोटल 15,000। अब राज के बाद किसका बनाना है अकाउंट, बोलो राज के बाद किसका अकाउंट बनाएंगे, बैंक बन चुका है कि नहीं बना है, बैंक का बनेगा। ठीक है, अब बैंक का बना लेते हैं बैंक अकाउंट, बोलो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, कैश की वजह से, कितना 25,000। कौन सा ट्रांजेक्शन था, थर्ड नंबर का।
अब इसका कुछ कहीं डेबिट हुआ क्या, ये क्रेडिट और कहीं? हाँ जबरदस्ती कहीं नहीं है क्रेडिट, तो अब क्या जाएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना? 25,000, और ये भी 25,000। अब जरा ध्यान देना, बताओ ये वाला बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। सबको साइड दिख रही है, बैलेंस नहीं दिख रहा है, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, मतलब ये तुम लोग गलती नहीं कर रहे हो, 12th के बच्चे भी ये गलती करते हैं, जिधर देखता है उधर बोले तो सर ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना। अरे भाई ये बैलेंस तो डेबिट का था, लिखा है ऐसे यहाँ पर, समझ में आ रहा है? बैलेंस इक्वल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे भी कैश का बैलेंस यहाँ निकला जरूर है, क्रेडिट साइड लिखा है बैलेंसिंग फिगर, लेकिन अगले महीने ये कहाँ जाएगा, इधर ही आएगा। तो ये बैलेंस जिस साइड लिखा होता है ना, लॉजिक भी ये कह सकते हो, जिस साइड लिखा है उसका अपोजिट साइड होता है बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो बैलेंस कौन सा है? डेबिट। और यहाँ भी मैंने करके दिखाया, ये 4,20 क्या था बोलो, ये 4,20,000 क्या था? डेबिट। और इसमें से हमने इसको माइनस किया था कितना? 48 क्या था? क्रेडिट। तो बोलो डेबिट से क्रेडिट खत्म होगा तो 372 क्या बचा? ये डेबिट ही ना, मैथ्स में भी तो करते थे, अगर ये डेबिट क्रेडिट भूल जाओ, ये प्लस और ये माइनस, तो ये केस किसका बचेगा? प्लस का ना, इतना तो आता है ना। बस तो वही चीज यहां पर है, ये गलती फिर से मत करना। खैर मुझे पता है, बार बार मैं पूछता हूँ और बच्चे वही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस साइड दिख रहा है उसका अपोजिट, जैसे ये यहाँ दिख रहा है, लेकिन कौन सा बैलेंस होगा ये बोलो? क्रेडिट होगा ये। ठीक है, डेबिट साइड लिखा जरूर है लेकिन ये तो क्रेडिट है। ठीक है, जो जिस साइड एक्सेस होती है, अब देखो जरा, बैंक के बाद कैश बनेगा क्या? क्योंकि कैश ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, परचेज बनेगा क्या? ऑलरेडी बन चुका है। कैश बनेगा क्या? ऑलरेडी बन चुका है। फिर कैश बन चुका है, अब क्या बनेगा? सेल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, बस आपको सिखा रहा था। ठीक है, ये अब क्या बनेगा? सेल्स। फिर सेल्स के बाद क्या राज बनेगा? नहीं, बन चुका है। कैश बनेगा? नहीं। फिर लास्ट क्या बनेगा? सैलरी। ठीक है, बस बन गया, खत्म। शुरुआत में ऐसा लगता है अरे अभी बड़ी स्लो चल रहे हैं, कैश पे ही बैठे हैं, लेकिन बाद में आके ऐसा लगता है अरे अब तो ये तो सब बन गया है, खतर खटक हो जाता है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।